त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए बुधवार से गांवा प्रखंड मुख्यालय में नामांकन पत्र उपलब्ध होंगे। वीडियो दीपक प्रसाद ने बताया कि जिला परिषद के सामान्य अभ्यर्थी के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। वही पंचायत समिति सदस्य और मुखिया के अभ्यर्थी के लिए क्रमशः 250 और 125 रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 100 रुपये और 50 रुपये शुल्क निर्धारित है। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति और शुल्क जमा कर प्राप्ति रसीद जमा कर नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। वीडियो ने बताया कि गांवा प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के 2 पंचायत समिति सदस्य के 23 मुखिया के 17 और ग्राम पंचायत सदस्य के वार्ड सदस्य के 232 पदों के लिए लोग मतदान करेंगे। जिला परिषद सदस्य का 1 सीट गांवा भाग संख्या 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वही भाग संख्या 1 से सामान्य वर्ग से महिलाएं किस्मत आजमाएंगे। वही गांवा प्रखंड के मंझने अमतरो साख पटना बादीडी मालडा गदर खरसान पिहरा पूर्वी व जमडार पंचायत से महिला किस्मत आजमाएगी। उसी तरह पसनौर गांवा नगवा पिहरा पश्चिमी बिरने सेरुआ और नेमाडी से पुरुष व महिला दोनों अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के 232 पद हैं, उनमें आधे से अधिक पद महिला के लिए आरक्षित है। वीडियो ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की सारी तैयारी कर ली गई है। वहां वीडियो ने कहा कि वार्ड सदस्य के लिए 4 काउंटर बनाया गया है, वहीं मुखिया पंचायत समिति के लिए भी अलग अलग काउंटर बनाया गया है, जिससे किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के गाइडलाइन का अच्छा पालन किया जाएगा। 22 मई को मतदान की भी सारी तैयारी हो चुकी है। चुनाव से संबंधित प्रखंड गांवों में जो भी कार्य हो रहा है वो बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार हो रहा है। और यहाँ पर जैसे नाजी रसीद का जो काम है एनआर का, फिर वार्ड मेंबर का के लिए यहाँ पर 4 ये बनाया गया है, उनके लिए फिर वार्ड सदस्य के लिए अलग काउंटर बनाया गया है, अंचल के लिए मुखिया चुनाव के लिए अलग बनाया गया है, ठीक है। और मीटिंग हॉल में भी यहाँ पे मतलब चुनाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो रहे हैं।